सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्यवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला चिरप्रतीक्षित 1932 के खतियान से जुड़ा हुआ है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की। इसमें से 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। आज हुए कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कैसे आज हमारे माइक थोड़ा पीछे करो ना, वर्ग के लोग हो, चाहे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, एमपी के अनुसार जो भी हो, सिपाही या जो भी हो, आज उनके प्रति जो सरकार की संवेदनाएं है और आज के किसान से लेकर के शिक्षित बेरोजगारों नौजवानों से लेकर जो करने वाले लोग, उन सब के प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं आम लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है और इससे जो खुशी और जो हमें काम करने की ताकत इनके लिए काम करके ही हमें मिलती है। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज एक ऐतिहासिक कैबिनेट के रूप में पुनः दोबारा इस कैबिनेट को लोगों ने सराहा है। आज लोगों की उत्साह जो थोड़े समय में आज क्या क्या सरकार निर्णय लेगी, किस पर मुहर लगेगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्षण भर में इतने सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की सांसों की भी आहट इस राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। बहुत सारे संवर्ग को भी इनके कुछ चीजें बाकी है, चाहे MPW हो, चाहे और भी कर्मी है, उन सब का, उन सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, आप ये चिंता मत कीजिए, ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप लोगों के काम की जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी है, आप सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों के लिए ये सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।